केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देते हुए रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाने का ऐलान किया है। इस पर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि देश में बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की दो बैठक में ही केंद्र सरकार हिल गई है और उसे रसोई गैस के दाम कम करने पड़े हैं। गैस सिलेंडर के दाम पर केंद्र सरकार का फैसला आने के बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में ममता ने लिखा, बीते दो महीने में इंडिया गठबंधन के दो ही बैठकें हुई हैं और इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कमी आ चुकी है। ये है इंडिया का दम। ममता के इस ट्वीट को इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के ऐलान को चुनाव से जोड़ते हुए तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने, जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। खड़गे ने आगे कहा, 9.5 सालों तक 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपए में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई। बीजेपी सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा, आपके एक दशक के पाप नहीं धुलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे लिखा, इंडिया से डर अच्छा है मोदी जी, जनता ने मन बना लिया है, महंगाई को मात देने के लिए भाजपा को एग्जिट डोर दिखाना ही एकमात्र विकल्प है। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। अरे झूमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500-700 कम करने चाहिए थे? और ये सारे इलेक्शन का जुमला, अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। और कर्नाटक के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। बता दें केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 903 रुपए मिलेगा, जो 1103 रुपए है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुल 400 रुपए की गैस सब्सिडी मिलेगी, उन्हें पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है।